अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कयामत के बारे में और आपको बताने वाले हैं कयामत की 50 ऐसी निशानियों के बारे में जिनके बारे में हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। और जो काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं वो सारे के सारे काम आज हो रहे हैं। इससे तो यही लगता है कि कयामत बहुत नज़दीक है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको भी उन निशानियों के बारे में बताते हैं। नंबर एक, कबीरा गुनाहों को हलाल ठहराया जाएगा। नंबर दो, तलाक को खेल समझा जाएगा। और नंबर तीन, औलाद दिल की घुटन बन जाएगी। और नंबर चार, शराब आम हो जाएगी। और नंबर पाँच, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा जाएगा। नंबर छः, माँ बाप को अपने से दूर रखा जाने लगेगा। और नंबर सात, मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ सुहबत करेगी। नंबर आठ, तोल में कमी की जाएगी। और नंबर नौ, उलमा मन चाहा फतवा देंगे। और नंबर दस, ज़कात बोझ बन जाएगी। और नंबर ग्यारह, कलाम पाक पर सोने चांदी के गिलाफ चढ़ाए जाएंगे। और नंबर बारह, गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी। और नंबर तेरह, मकान ऊंचे ऊंचे और पुख्ता बनाए जाने लगेंगे। और नंबर चौदह, नमाजों को ज़ाय किया जाएगा। और नंबर पंद्रह, सूद खोरी आम हो जाएगी। और नंबर सोलह, हर काम में रिश्वत ली जाने लगेगी, नाजायज़ ख्वाहिशों की तकमील की जाएगी। नंबर सोलह, हर काम में रिश्वत ली जाने लगेगी। और नंबर सत्रह, नाजायज़ ख्वाहिशों की तकमील की जाएगी। नंबर अट्ठारह, दीन को दुनिया के बदले बेचा जाएगा। और नंबर उन्नीस, कुरान पाक को गाने की तरह पढ़ा जाने लगेगा। नंबर बीस, मस्जिदों को रास्ता बनाया जाएगा। और नंबर इक्कीस, मर्द रेशम का लिबास पहनेंगे। नंबर बाईस, जुल्म हद से बढ़ जाएगा। और नंबर तेईस, जिनाह की कसरत की जाएगी। नंबर चौबीस, मस्जिदें सजाई जाने लगेगी। नंबर पच्चीस, दिल फासिद हो जाएंगे। नंबर छब्बीस, लोग घर में नाचने गाने वाली रखा करेंगे। नंबर सत्ताईस, नाच गाने हलाल किए जाएंगे। नंबर अट्ठाईस, मर्द अपनी बीवी की इताअत करेंगे। और नंबर उनतीस, माँ बाप की नाफरमानी की जाने लगेगी। और नंबर तीस, अमीन को खाइन ठहराया जाएगा। और नंबर इकतीस, खाइन को अमानतदार समझा जाएगा। और नंबर बत्तीस, बारिश कम होने लगेगी। और नंबर तैतीस, बड़े ओहदों पर ऐसे लोग बैठेंगे जो उसके लायक नहीं होंगे। नंबर चौंतीस, उलमा पैसों के लिए अमीरों की चाकरी करेंगे। नंबर पैंतीस, महीने घट जाएंगे। नंबर छत्तीस, वादा खिलाफी आम हो जाएगी। और नंबर सैंतीस, औरत और मर्द शरीके तिजारत हो जाएंगे। और नंबर अड़तीस, औरतें घोड़ों पर बैठना शुरू हो जाएंगी। नंबर उनतालीस, झूठी गवाही दी जाएगी। और नंबर चालीस, रिश्तों को काटा जाएगा। और नंबर इकतालीस, ओहदों को जायदाद की तरह बांटा जाएगा। और नंबर बयालीस, गुजरे हुए लोगों को गालियां दी जाएंगी। और नंबर तैतालीस, आदमी की इज्जत उसके सर के डर से की जाएगी। और नंबर चवालीस, सिपाहियों की कसरत होगी। और नंबर पैंतालीस, जाहिल मिंबर पर बैठेंगे। नंबर छियालीस, दुनिया के लिए इल्म दीन हासिल किया जाएगा। नंबर सैतालीस, कुरान पाक को तिजारत बनाया जाएगा। नंबर अड़तालीस, जुआ आम हो जाएगा। नंबर उनचास, मोहताजों को ज़कात नहीं दी जाएगी। और नंबर पचास, बेगुनाहों का कत्ल आम हो जाएगा। दोस्तों, कुछ भाई इसका हवाला पूछेंगे तो इसका हवाला है कंजुल अमाल जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 573-74। तो दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर ये काम होने लगे तो फिर इंतज़ार करना उस आवाज़ का जो तुम्हारे दिल को दहला देगी।
दोस्तों, जो काम 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, वो सारे के सारे काम आज होने लगे हैं। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें इन कामों से बचाए, इन गुनाहों से बचाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सुअर का नाम लेना कैसा है। क्या सुअर का नाम लेने से 40 दिन तक जबान नापाक हो जाती है? और जो शख्स सुअर का नाम लेता है, उसकी दुआ 40 दिन तक कबूल होती है या नहीं? तो आइए हम इन्हीं कुछ गलत फहमियों के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम में सुअर का गोश्त खाना हराम है, और उसका गोश्त, खून, हड्डी, बाल, थूक वगैरह या उसका पूरा बदन, उससे खारिज होने वाली हर चीज़ नापाक है। इसी तरीके से सुअर से नफरत करना ईमान की पहचान है और मोमिन की शान है, लेकिन कुछ लोग जहालत की वजह से इसका नाम अपनी ज़ुबान पर लेना भी बुरा मानते हैं। यहाँ तक के बाज़ जाहिल लोग यहाँ तक कह देते हैं कि जिसने मुँह से सुअर का नाम लिया, उसकी 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होगी और 40 दिन तक उसकी ज़बान नापाक रहती है। और जहालत यहाँ तक बढ़ चुकी है कि एक मर्तबा एक गांव में इमाम साहब ने तकरीर के वक्त ये कह दिया कि शराब पीना ऐसा है जैसा सुअर का गोश्त खाना। तो लोगों ने उस पर खूब हंगामा किया कि उन्होंने मस्जिद में सुअर का नाम क्यों लिया। यहाँ तक कि उन इमाम साहब का हिसाब किताब करके उन्हें मस्जिद से निकाल दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी बुरी से बुरी चीज़ का भी बुराई के साथ नाम लेना बुरा नहीं है। हाँ, अगर कोई बुरी चीज़ को अच्छा कहे या हराम को हलाल कहे, तो यह यकीनन गलत है। इतना दिमाग तो आपके अंदर भी है कि किसी बुरी चीज़ का नाम लिए बगैर आप उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं। जैसा कि शैतान, इबलीस, फिरौन और अबू जहल का नाम भी तो लिया जाता है, और फिर फिरौन, इबलीस और अबू लहब का नाम तो कुरान पाक में भी है, और हर कुरान करीम पढ़ने वाला उनका नाम लेता है। अल्लाह ताला और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी दुश्मन हैं, ये सब तो सुअर से भी ज़्यादा बुरे हैं। ये सब जहन्नुम में जाएंगे, और जानवर कोई भी हो, हराम हो या हलाल हो, वो हरगिज़ जहन्नुम में नहीं जाएगा, बल्कि उन जानवरों का हिसाब किताब होने के बाद में उन्हें फनाह कर दिया जाएगा। कहना हम ये चाहते हैं कि सुअर का नाम लेकर उसके बारे में हुक्म शरा हरगिज़ बुरा नहीं है, चाहे वो मस्जिद में हो या मस्जिद से बाहर हो, तकरीर में हो या गुफ्तगू में हो। आखिर कुरान पाक में भी तो उसका नाम कई जगह आया है, क्योंकि अरबी में जिसे खंजीर कहते हैं, उसी को हिंदुस्तान वाले सुअर कहते हैं। तो अगर नमाज में उन्हीं आयतों की तिलावत की गई जिनमें सुअर का हराम फरमाने का जिक्र है, तो उसका नाम नमाज में भी आएगा और मस्जिद में भी। तो ये एक गलत फहमी है, बिल्कुल जहालत है, कि सुअर का नाम लेने से 40 दिन तक आपकी ज़बान नापाक रहती है या आपकी 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होगी। जो लोग ऐसा सोचते हैं, तो ये गलत फहमी है, और उन लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप लोग अपनी गलत फहमी को दूर कर लीजिए। आप सुअर को ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी चीज़ है, आप सुअर को ये नहीं कह सकते कि वो हलाल है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये गलत है। बाकी आप उसका नाम ले सकते हो, उसकी बुराई कर सकते हो, बिना नाम लिए तो आप किसी की भी बुराई नहीं कर सकते। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि दुआ मांगते वक्त दो गलतियां नहीं करना, वरना कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दोस्तों, वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी इबादत है, दुआ के बगैर इबादत का मज़ा ही नहीं। दोस्तों, जो बंदा दुआ नहीं करता, उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है, उम्मीद रखी है। हम लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआओं के अंदर गलतियां भी करते हैं, जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती।
तो दो गलतियाँ ऐसी हैं जो अक्सर हम दुआओं में करते हैं, जिनकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ के अंदर हमारी पहली गलती ये होती है कि हम दुआ तो मांगते हैं लेकिन हम अपने गुनाह माफ़ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसके बाद तोबा किए बगैर दुआ करता है तो उम्मीद है कि उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी दुआ करें तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती वो ये है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो दो मर्तबा, तीन मर्तबा या फिर आठ या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मर्तबा मांगकर मायूस हो जाते हैं, यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है तो मांगने का क्या फ़ायदा, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है कि उसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल की जाती है जब तक वो दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं।